लास्ट बॉल तक चले रोमांचक मैच में नीदरलैंड्स ने आयरलैंड को एक रन से हरा दिया है और फर्स्ट ओडीआई मैच जीतकर सभी को सरप्राइज किया है। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिकेट लाइन गुरु। दोस्तों आज प्री मैच एनालिसिस में हम कवर करेंगे नीदरलैंड्स और आयरलैंड के बीच होने वाले सेकेंड ओडीआई मैच को जो 4 जून को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो नीदरलैंड्स ने भले ही 195 रन्स बनाए हों बट ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ने फ्रॉम द टॉप टू बॉटम कंट्रीब्यूट किया था, साथ ही बॉलर्स ने भी विकेट्स निकाले थे। ऑन द अदर हैंड आयरलैंड की ओर से स्टार बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग 69 रन और लोअर मिडिल ऑर्डर में सिमी सिंह 45 रन की बदौलत 194 ही बना पाए थे। हालांकि बात बॉलिंग अटैक की करें तो टीम ने कंपैरेटिवली बेहद उम्दा परफॉर्म किया था। चलिए अब जरा वेन्यू पर भी फोकस कर लेते हैं। स्पोर्ट्स पार्क की पिच पर एज यूजुअल एक लो स्कोरिंग गेम देखने को मिला था जहां बॉलर्स का बोलबाला रहा था। नंबर गेम की बात करें तो टोटल 16 विकेट्स यहां पर निकाले गए थे जहां 11 विकेट पेसर्स ने चटकाए थे तो स्पिनर्स की झोली में गिरे थे 5 विकेट और 3 रनआउट द्वारा विकेट्स चटकाए गए थे। वहीं बात करें बल्लेबाजी की तो ओवरऑल 40+ का स्कोर 2 बैट्समैन ने और हाफ सेंचुरी 1 बैट्समैन ने बनाई थी। सो वंस अगेन एक लो स्कोरिंग गेम देखने को हमें मिल सकता है। ये तो हुई बात वेन्यू की, नाउ लेट्स फोकस ऑन द टीम्स। शुरुआत करते हैं मेजबान नीदरलैंड से। दोस्तों मैक्स और स्टीफन ने अच्छा स्टार्ट दिया था बट 20 और 23 के स्कोर पर पवेलियन लौटे थे। लीडी, साकिब जुल्फिकार और वैन बी तीनों ही 20 के स्कोर पर आउट हुए थे। कप्तान सीलर और विकेट कीपर एडवर्ड मिडिल ऑर्डर में सस्ते में निपट गए थे, प्लस टॉप ऑर्डर में बेन कूपर भी सस्ते में पवेलियन लौटे थे। वेल, गौर करें इनके बॉलिंग अटैक पर तो दोस्तों वेंडर गक्टेन और फ्रेड क्लासिन दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया था और 2 की इकोनॉमी मेंटेन करते हुए 1-1 विकेट अपने नाम किए थे। साथ ही वेन बीक और सीलर ने टोटल 5 विकेट्स अपने नाम किए थे। वीक पॉइंट यहां पर साकिब जुल्फिकार थे जिन्होंने 2 ओवर में 16 रन दिए थे। चलिए अब जरा फटाफट से नजर डालते हैं इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। नीदरलैंड्स की ओर से खेल सकते हैं पीटर सीलर, स्कॉट एडवर्ड्स, मैक्स डाउड, स्टीफन माइबर्ग, बेन कूपर, बेस डेलीडी, लोगन वैन बीक, साकिब जुल्फिकार, ब्रेंडन ग्लोवर, टिम वैन डर गुटेन, फ्रेड क्लासेन। ये तो हुई बात नीदरलैंड्स की, बढ़ते हैं मेहमान टीम आयरलैंड पर। पॉल स्टर्लिंग की स्टेबल बल्लेबाजी ने टॉप ऑर्डर में वन मैन आर्मी का काम किया था। वेल 61 का स्ट्राइक रेट वॉज नॉट गुड बट दूसरे एंड से सपोर्ट ना मिलना आयरलैंड की हार का रीजन रहा था। लोअर ऑर्डर में 45 रन्स का सपोर्ट करते हुए सिमी सिंह ने टीम को स्टेबिलिटी दी थी। विलियम पोर्टफील्ड और केविन ओब्रायन की गैर मौजूदगी आयरलैंड को महंगी पड़ी थी। देखा जाए तो आयरलैंड का बॉलिंग अटैक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता दिखा था जहां क्रेग यंग और जोशुआ लिटिल ने 3 की इकोनॉमी मेंटेन करते हुए 3-3 विकेट अपने नाम किए थे। यहां सिमी सिंह ने बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी उम्दा प्रदर्शन किया था और 1 विकेट अपने नाम किया था। एंडी मैकबर्नी को भी यहां पर सफलता मिली थी। सो ओवरऑल आयरलैंड का जो बॉलिंग अटैक था वो शानदार परफॉर्म करता दिखा था। आइए इनके संभावित 11 खिलाड़ी यानी कि प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर भी हम फोकस कर लेते हैं। तो यहां पर आयरलैंड की ओर से खेल सकते हैं एंड्रयू बॉलबर्नी, लॉर्कन टकर, पॉल स्टर्लिन, विलियम पोर्टफील्ड, हैरी टैक्टर, सिमी सिंह, जॉर्ज टॉकरेल, क्रेग यंग, एंडी मैकबर्नी, जोशुआ लिटिल, बैरी मैकार्थी। दोस्तों यहां पर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार टीम केविन ओब्रायन को प्लेइंग 11 में शामिल जरूर करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पर दोस्तों बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो नो डाउट आयरलैंड का बॉलिंग अटैक वॉज फेबुलस बट ऑन द अदर हैंड बैटिंग लाइनअप बिलो एक्सपेक्टेशन परफॉर्म करता दिखा था। सो वी कैन से दैट आगे आने वाला ये सेकेंड ओडीआई मैच थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव हो सकता है जहां नीदरलैंड को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है क्योंकि इनका बॉलिंग अटैक वॉज गुड और बैटिंग में भी ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला था। सो ये एक कॉम्पिटेटिव मैच हो सकता है बट वी विल से दैट आयरलैंड के जीतने के चांसेस एक बार फिर ज़्यादा है अगर उनका बैटिंग लाइनअप अच्छा परफॉर्म करता है तो। भाई आपके अकॉर्डिंग ये मैच कौन जीतेगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और टॉप परफॉर्मर्स के नाम भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।